हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बी द अचीवर। हमारे कई सारे व्यूअर्स का कहना था कि यूपी कॉलेज के लिए स्पेशली कोई वीडियो क्रिएट करिए एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, तो इससे पहले मैंने वीडियो मतलब बनाया था यूपी कॉलेज, BHU, ICR और कैटेट के एग्ज़ाम्स को एक कंबाइंड वीडियो बनाया था, एलिजिबिलिटी वगैरह से रिलेटेड और एग्जामिनेशन के पैटर्न से रिलेटेड। उसमें यूपी कॉलेज भी था, मतलब BHU था, ICR था, कैटेट था एंड देन यूपी कॉलेज था। मगर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जा रहे थे और मिक्स कर ले रहे थे चीज़ों को, BHU को और यूपी कॉलेज के एग्ज़ाम्स को। तो इसीलिए यूपी कॉलेज के लिए सेपरेटली एक वीडियो क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम सब कुछ जानेंगे यूपी कॉलेज के एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, क्या क्या देखेंगे आज के वीडियो में? हम सिलेबस देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके एंट्रेंस पैटर्न में कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेंगे आपके और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो सब कुछ देख लेंगे। नंबर ऑफ सीट्स आपकी यूपी कॉलेज में कितनी हैं, कट ऑफ क्या होगा आपका एंड द लास्ट इज एडमिशन फीस और काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो हम इसमें सब कुछ समझेंगे। इसके साथ साथ हम ये समझेंगे कि आपको वेटेज किन किन चीज़ों का मिल सकता है जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो आपको किन किन चीज़ों का वेटेज मिलेगा और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है जब आप फॉर्म को अप्लाई करने वाले हो। तब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पैटर्न क्या है आपके एग्जाम का। तो आपका एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं इन द टाइम ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे के टाइम में 150 क्वेश्चन करना है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। तो आपके टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 150। आपके पूरे पेपर में 150 क्वेश्चन 2 घंटे में करने होंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये टेंशन नहीं कि गलत होगा कि सही होगा, सबके सब टिक लगा के आओ और हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब ये सिलेबस या फिर किन किन सब्जेक्ट से आते हैं, सिलेबस क्या आपका? तो सिलेबस में आपके आता है 10, मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर का सिलेबस में उसमें कौन कौन से, तो ये हो गया हमारा पैटर्न। नेक्स्ट इज कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि 150 क्वेश्चन हैं और सभी के सभी कंपल्सरी हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे और सबके सब कंपल्सरी हैं। ऐसा BHU के जैसा नहीं कि आपको आपका कोर सब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल रहेगा, या आप फिजिक्स मैथ करो या फिर बायोलॉजी करो या फिर एग्रीकल्चर, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आपको सारे सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। 150 क्वेश्चंस हैं और सभी कंपलसरी हैं। आपके 10 क्वेश्चन किससे होते हैं? रीजनिंग से होते हैं, है ना। और ये रीजनिंग का लेवल बहुत हाई लेवल नहीं होती, रीजनिंग बहुत ही ईजी सी रीजनिंग होती है, बट यूपी कैडेट से अच्छी खासी रीजनिंग होती है। यूपी कैडेट में तो खैर छोड़िए। 20 क्वेश्चन फिजिक्स के रहते हैं आपके, 20 मैथमेटिक्स के होते हैं। ठीक है, तो अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपका तो ये कोर सब्जेक्ट ये बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद आते हैं 40 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के, है ना। अगर एग्रीकल्चर के हो तो आपका एग्रीकल्चर बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। 40 में आप कोशिश करो कि 35, 37 या 38 क्वेश्चंस कम से कम सही करो। और अगर आप मैथ या बायो से हो तो भी आप 1-2 महीने अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ते हो तो आप इसमें से 30 क्वेश्चंस या फिर 25 क्वेश्चंस तो ईजिली कर लोगे। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं, है ना। और बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों से ही आपको 20-20 क्वेश्चन दोनों से आपको मिलेंगे। तो अगर आप बायो के हो तो आपको ऐसा नहीं कि किसी सब्जेक्ट का भेदभाव किया गया है, बायो के हो तो आपको बॉटनी जूलॉजी बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, दोनों को जोड़ के इतना नंबर क्वेश्चन हुआ 40। मैथ्स से हो तो फिजिक्स मैथ अच्छे से आना चाहिए, दोनों को जोड़ के कितना हुआ 40। एग्रीकल्चर के लिए अकेले 40। तो तीनों ही सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट के लिए ईजी है, अच्छा है। अगर आप अपना 40 में से 35 कर लेते हो, ठीक है, 10 क्वेश्चन आप इसके कर लेते हो, रीजनिंग के कर लेते हो, और मान लीजिए 20 है तो 18 क्वेश्चंस यहाँ से कर लेते हो केमिस्ट्री में से, है ना। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 13, 3, 1, 5, 63 क्वेश्चंस हो गए आपके अपने कोर सब्जेक्ट से। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर कर लेते हो, लगभग 20 क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट्स के कहीं से भी ले लेते हो, तो आपका एडमिशन कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें कि अपना सब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रांग रखना है और कोशिश करनी कि दूसरे दो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब दूसरे जो 80 नंबर के क्वेश्चन हैं उसमें से एटलीस्ट आप 20 क्वेश्चन को सही कर लो। एग्रीकल्चर में तो भी फिजिक्स कर ही लोगे और बॉटनी जूलॉजी की हो तब भी फिजिक्स कर लोगे, है ना। तो कुछ बहुत मुश्किल सा नहीं है यहाँ के पेपर में। नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया आपके एंट्रेंस एग्जाम में। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है आपके पास? नंबर टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 150 सीट्स। इसी में आपके रिजर्वेशन भी आते हैं, दैट इज SC ST का रिजर्वेशन, OBC का रिजर्वेशन, ठीक है,
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजर्वेशन, उसके अलावा है फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन और स्पोर्ट्स कोटा के बच्चों के लिए रिजर्वेशन है। तो ये सारे रिजर्वेशन मिला के टोटल आपके पास 150 सीट्स हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि कट ऑफ क्या है आपका। यूपी कॉलेज के पेपर में आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अभी तक तो ये था कि नहीं 80 मार्क्स तो आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ उसमें कट ऑफ आपका काफ़ी हाई गया, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम 85 लाना ही पड़ेगा। 85 से 2-3 मार्क्स अगर ऊपर हो ना तो फिर सेफ जोन में हो, हाँ एडमिशन हो जाना चाहिए आपका। जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो, नहीं भी करते हो दूसरी कैटेगरी से भी हो तो सेफ जोन में रहने में क्या फायदा, आप एटलीस्ट कोशिश करो कि 85 to 90 क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर पाओ। ओबीसी से हो मिनिमम 80, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के मार्क्स में ऑलरेडी डिफरेंस नहीं है, 3-4 मार्क्स का डिफरेंस है, तो आप 80 कोशिश करो कि लेके आओ या फिर 78, 75 से 80 के बीच में आप रहो। SC ST से बिलोंग करते हो तो आप 70 अबव रहो तो आपके लिए बहुत सफिशियंट है, आपको एडमिशन मिल जाएगा आसानी से। इसके अलावा भी बहुत सारे वेटेज होते हैं, जैसे कि हाँ ये वेटेज वाला जो पोर्शन है, जब आप फॉर्म फिल करोगे ना तो इसमें बहुत ध्यान दे के इसको फिल करना। वेटेज किसको किसको मिलता है, जैसे अगर आप प्रीवियसली यूपी कॉलेज से पढ़े हुए हो, जैसे आप अगर उदय प्रताप पब्लिक स्कूल से पढ़े हो, उदय प्रताप इंटर कॉलेज से पढ़े हो, या रानी विवाह कुमारी बालिका से पढ़े हो, या आपकी कोई और डिग्री यूपी कॉलेज से ही है, डिग्री कॉलेज से ही, तो अगर आप वहाँ से हो तो ओल्ड बॉयज नहीं तो आपके आपको वहाँ पे 5 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा अगर आपकी फैमिली मेंबर कोई पढ़े हुए हो यूपी कॉलेज से किसी भी यूनिट से, टोटल 5 हैं है ना, तो उनमें से कहीं से भी कोई पढ़ा हुआ हो तो आप उसका भी वेटेज ले सकते हो, 5 मार्क्स का वेटेज उससे भी मिलता है। ओल्ड बॉयज एसोसिएशन करके आपको ऑप्शन मिलेगा आपके फॉर्म को फिल करते हुए, आप उस पर टिक करो। और वहाँ पे प्राचीन छात्र भवन है, प्राचीन छात्र भवन से आपको उनका रिजल्ट दिखाना होगा, जिनसे भी जिनका भी आप वेटेज ले रहे हो। एक और चीज़ कि उनको पास आउट हुए भी मिनिमम 2 साल हुआ हो जाना चाहिए, मतलब जिस अगर आप अपने भैया के लिए का ले रहे हो, दीदी का ले रहे हो, पापा मम्मी का हो तो होगा तो ऑब्वियसली 2 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा, अगर भैया दीदी का ले रहे हो तो उनको भी पास आउट हुए 2 साल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का कार्ड मिलेगा, उन्हें वहाँ की मेंबरशिप मिलेगी और उनकी मेंबरशिप से फिर आपको 5 मार्क्स का वेटेज मिलता है। इसके अलावा अगर आप NCC आपने किया है तो भी आपको मिलेगा, अगर सी सर्टिफिकेट है तो शायद 5 मार्क्स का मिलता है, और बी सर्टिफिकेट है तो 3 मार्क्स का आपको वेटेज मिलता है। स्काउट गाइड का भी आपका वेटेज होता है, अगर उसके रिगार्डिंग आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। फ्रीडम फाइटर वगैरह वाला मैंने बताया कि उनके लिए तो कैटेगरी ही अलग है, उनको इजली एडमिशन मिल जाता है। तो ये सारे वेटेज हैं आपके फॉर्म को फिल, स्पोर्ट्स कोटा से हो तो वो तो जरूर फिल कर देना, अगर आपके पास स्टेट या नेशनल लेवल का है, साल 1 साल के 2 साल के अंदर होता है, उनका अपना एक क्राइटेरिया है, आप उसको नोटिफिकेशन में चेक करो, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा से हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब बहुत ज़्यादा आसानी होती है, 40 to 45 मार्क्स के अंदर आपका एडमिशन हो जाता है। 150 में से 45 स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, या 50 भी अगर स्कोर करना है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो शायद 85 स्कोर करना भी नहीं, क्योंकि आप लगभग आधे के आसपास, 75 से बस थोड़ा सा ही आगे, तो 10 मार्क्स आगे हो तो उतना आपको स्कोर करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ फॉर्म फिल करते वक्त ध्यान देना कि अगर आप प्रीवियसली वहाँ से पढ़े हुए हो उसको टिक कर देना, अगर आप घर से कोई पढ़ा हुआ है तो उसको टिक कर देना, साथ ही साथ अपना ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का कार्ड भी बना लेना, क्योंकि अगर वो नहीं होगा काउंसिलिंग के टाइम पे तो वो आपका माना नहीं जाएगा, आपका फॉर्म जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एडमिशन फीस एंड काउंसलिंग। सर एडमिशन फीस जब आप एडमिशन लेने जाते हो नियर अबाउट 7,300 लगती है रुपीज में, INR इंडियन नेशनल रुपीज में। देन सेकेंड ईयर से आपकी फीस कुछ कम हो जाती है 6,200 के आसपास, तो फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है और ये फीस वापस भी आ जाती है अगर सक्षम जो है उसके लिए एलिजिबल हो तब तो ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप देती है उसके लिए एलिजिबल तो ठीक है। उसके अलावा कॉलेज का जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से भी स्कॉलरशिप दी जाती है गरीब बच्चों को। BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे एक मंडी परिषद की स्कॉलरशिप भी आती है, मंडी परिषद की स्कॉलरशिप में आपको मंथली 3,000 रुपीज दिए जाते हैं, ये काफी अच्छा खासा अमाउंट होता है।
एनुअली इसको ट्रांसफर किया जाता है, मतलब आपको पूरे साल का एक साथ ट्रांसफर किया जाएगा, नियर अबाउट 36,000। तो ये तो काफी अच्छा हो गया एक स्टूडेंट के लिए, तो इतना बहुत होता है ना। तो मंडी परिषद की भी स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट की भी स्कॉलरशिप है, और जितनी जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, तो फीस की तो कोई चिंता ही नहीं है। और अगर आप एलिजिबल नहीं हो इन स्कॉलरशिप के लिए तो वैसे भी आपको चिंता नहीं होगी, मतलब आपका 2 लाख से ज़्यादा इनकम होगा या फिर 8 लाख से ज़्यादा, तो फिर तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है? आपके पास टोटल 7 काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स होने ही होने चाहिए। फर्स्ट इस TC होनी चाहिए आपके पास, आपके प्रीवियस स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट है ना, स्थानांतरण पत्र बोलते हैं शायद उसको। 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट से आपका डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाता है और 12th की मार्कशीट में आपके मार्क्स चेक किए जाते हैं। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, मतलब आय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप जाति SC ST या OBC से बिलोंग करते हो, अगर आपने उसको एप्लीकेबल किया है तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी लेके जाना होगा। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कोई जरूरत नहीं, EWS से बिलोंग करते हो तो भी लेके जाना होगा। रेजिडेंस निवास प्रमाण पत्र, अदर स्टेट कोटा से भी एडमिशन होते हैं UP कॉलेज में, जो 150 है इसमें 5% जो है अदर स्टेट कोटा है, तो उससे भी एडमिशन होता है अगर आप बिहार वगैरह से बिलोंग करते हो, मतलब मैक्सिमम बच्चे तो अदर स्टेट के बिहार के ही आते हैं, वहां से बिलोंग करते हो तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब हम तो कहेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बच्चे इसको ध्यान नहीं देते, आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड ऐसा नहीं है कि आपने निकाल लिया, एग्जाम दिए और फिर उसके बाद ले जाके फेंक दिए, नहीं, तो आपको एडमिशन मिलने में एकदम आप रो दोगे एडमिशन लेने के टाइम पे, क्योंकि एडमिट कार्ड की कॉपी आपके पास होनी चाहिए और एग्जाम्स के बाद वो वापस से प्रिंट नहीं होता है साइड से, और अगर आपने ओरिजिनल कॉपी खो दी जिसके ऊपर इंग्लिश लेटर के साइन थे तो आपको एडमिशन नहीं, आपको एडमिशन नहीं भी जाएंगे, ठीक है, वो एडमिट कार्ड जो दूसरा वाला होता है उसे माना नहीं जाता है। लेटर के ओरिजिनल साइन वाले ही आपके पास एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एग्जाम दे के और एडमिट कार्ड फेंक दिया, बहुत संभाल के रखना उसे। तो ये सारा कुछ मैटर हो गया हमारे UP कॉलेज के एग्जाम्स के रिगार्डिंग। अगर फिर भी कोई कोई कंफ्यूजन रह जाती है किसी कोटा वगैरह से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, दैट इज इट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जाते जाते, थैंक यू। Let me love.